jai ram jai jai ram shri ram jai ram jai jai ram shri ram jai ram jai jai ram bhagwan ravan ki jai ram shri ram ki jai ram ki jai shri ram ki jai bhagwan ki देवेंद्र, ये युद्ध बराबरी का नहीं है। राम धरती पर और रावण रथ पर, हम सभी देवताओं को राम का मान रखना चाहिए। मैं अभी अपना दिव्य रथ सारथी सहित भेजता हूँ। मातली, ये सोने का रथ है? अवश्य ही निशाचरी माया होगी। मैं राक्षसों की माया को अच्छी तरह से जानता हूं। ये रथ देवताओं ने आपके लिए भेजा है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। हे दशरथ नंदन, इस रथ को इंद्रदेव ने आपके लिए भेजा है। इस रथ में इंद्रास्त्र के साथ यमास्त्र, वरुणास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र हैं प्रभु। आप इस रथ पर सवार होकर रावण का वध कीजिए। देवराज इंद्र, सहायता के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, ये वन वन भटकने वाला राम आज रथ पे। ये तो इंद्र का रथ है। तो इंद्र ने अपना रथ राम को दे दिया। सारथी, रथ आगे लो। बहुत इतरा रहे हो राम, इंद्र के रथ पर चढ़कर रावण के सामने आओ तो अपना शीश झुका कर रखो। समय था जब तू शीश झुका लेता तो बच जाता, अब तो शीश काटना ही होगा। ये काम तुम्हारा नहीं है राम, शीश काटने का श्रेय केवल मुझे मिलेगा। मुझे तुमने अपनी वीरता बहुत दिखा ली, हर दूषण को मारा, विराट की हत्या की, बाली को छुपकर मारा तुमने, तनिक भी लज्जा नहीं आई तुम्हें राम? मेरे महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा तुमने, आज तुम्हें मारकर मैं उन सबका प्रतिशोध लूंगा।
माथली, रावण का पीछा करो। आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा तुमने, आज तुम्हें मारकर मैं उन सबका प्रतिशोध लूंगा। लंकेश मायाधारी, एक महाबली एक महाचली रण में टकराते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। श्री राम है नारायण, असुरेंद्र है महारावण, दोनों महाभट युद्ध में जौहर दिखाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम। माथली, रावण का पीछा करो। आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। हार जीत जब हुई न धरती के आंगन में, लड़ने को जा पहुँचे दोनों वीर गगन में। युद्ध की चालें गहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई। नाद भयंकर सुन सुन के चारों दिशाएं बहरी हुई। यह युद्ध प्रलयंकारी, त्रिभुवन में हलचल भारी, रण देख दबता तो तले उंगली दबाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। सन्मुख आते ही वीरों के बादल छा गए तीरों के, बादल छा गए तीरों के।
नहीं निर्णय के निकट कौशल इन रणधीरों के कौशल इन रणधीरों के नूतन आयुध प्रकटा के रावण को लक्ष्य बना के इस युद्ध को प्रभु और वीरों तक बनाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। माता त्रिजटा माता ये भयंकर आवाज है पुत्री ये आवाजें बता रही हैं कि श्री राम और लंकेश के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। ये श्री राम और लंकेश के विस्फोटक महाअस्त्रों के टकराने का परिणाम है पुत्री इसीलिए धरती डोल रही है। इसका अर्थ ये है कि दुष्ट रावण का अंतिम पर्व चल रहा है। रावण का अंत ऐसे संभव नहीं है प्रभु। आप एक साथ 31 देव बाणों को चलाएं, 20 भुजाओं के लिए, 10 उसके शीश के लिए। अब प्रभु एक दिव्य बाण उसकी नाभि में स्थित अमृत को सोखने के लिए।
जय श्री राम। ये क्या रघुनाथ के अमुक बाण निष्फल जा रहे हैं? ये तो रावण की माया है जिससे उसके शीश कट के फिर से सजीव हो उठते हैं। यदि ऐसा होता रहा तो रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु, ब्रह्मा के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत है और उसी के प्रभाव से शीश कटकर फिर से सजीव हो जाते हैं। रावण का अंत ऐसे संभव नहीं है प्रभु। आप एक साथ 31 देव बाणों को चलाएं, 20 भुजाओं के लिए, 10 उसके शीश के लिए। अब प्रभु एक दिव्य बाण उसकी नाभि में स्थित अमृत को सोखने के लिए, तभी रावण का अंत होगा। माता त्रिजटा, युद्ध में दशानन लंकेश की पराजय हुई है। आज मेरे प्रभु ने दुष्ट रावण का अंत कर ही
दिया है माता? दुष रावण का अंत कर ही दिया है। रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो लक्ष्मण। रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। जाओ लक्ष्मण। प्रणाम महाराज रावण।